हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ और गेट में क्या होता है कि इसमें टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट होता है। अगर इसको हम सर्किट से समझें, सर्किट डायग्राम से, तो कुछ इस तरह से समझते हैं। एक सर्किट डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, ओके, और इसको इस तरह से जोड़कर यहीं पे एक हम क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, माइनस प्लस एक सेल है, और यहाँ से एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बल्ब। तो ये हो गया वाई, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसको एस वन भी नाम देते हैं, इसको एस टू भी नाम दे देते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको हम नाम ऐसे दे देते हैं। अब यहाँ पे हम दो बातें लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं ऑफ, एक लिख रहे हैं ऑन। तो ऑफ और ऑन का मतलब समझते हैं, स्विच को आप ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करता है, जलने लगता है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब कि उसमें करंट जाना रुक जाता है, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं कि ऑफ को हम लोग लिखते हैं क्या, जीरो, ऑन को क्या लिखते हैं, वन, मतलब कि ऑफ का मतलब हो गया जीरो, ऑन का मतलब हो गया वन, ऐसा समझते हैं लोग, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, पहले यहाँ पर एक रिकॉर्ड हम काउंट करते हैं, इस टेबल बना लेते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं इस टेबल को, एक जो है आपको इनपुट और दूसरा क्या है, आउटपुट। तो इसको इनपुट को दो भागों में, एक ए एक बी, और आउटपुट क्या है, वाई है, ऐसे बना लिया, इस तरह से मैंने बनाया, ओके। अब यहां पर क्या करते हैं कि हम दोनों को ऑफ कर देते हैं, मतलब कि ए को और बी को, मतलब ये स्विच है एस वन एस टू, इन दोनों को आप ऑफ कर दीजिए। तो दोनों को ऑफ करेंगे तो यहां से करंट तो नहीं जाएगी ना, यहाँ से भी करंट नहीं जाएगी, तो ये बल्ब क्या करेगा, जलेगा, नहीं जलेगा। तो जब पहला भी ऑफ है स्विच, और दूसरा भी स्विच क्या है, ऑफ है, तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऐसा है ना। अब यहाँ देखिए, हम इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसे ऑन कर दिए, तो जब इसको ऑन कर देंगे तो इधर से तक करंट नहीं जाएगी, लेकिन इधर से करंट जाएगी और इसे सर्किट बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे करंट बहने लगेगी, तो ये बल्ब जलेगा, यानी जीरो और यहाँ पर क्या करेंगे, वन, तो ये हो जाएगा वन। और अब की बार क्या कर रहे हैं, इसको ऑन कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, इसको ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे वन और जीरो, तो क्या होगा, वन। अब क्या करते हैं कि दोनों को ऑन करते हैं, दोनों को ऑन करेंगे तो भी करंट जाएगा, इसको वन और वन, तो यहाँ पर वन। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो होता है ए एक्सप्रेशन, ये जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या है, जीरो, और जीरो प्लस वन क्या है, वन, और वन प्लस जीरो क्या है, वन, और वन प्लस वन क्या है, वन, देख रहे, वन प्लस वन क्या कर दिया हमने, जीरो कर, सॉरी जीरो वन कर दिया, वन प्लस वन जीरो। तो इसमें क्या होता है कि और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, वो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, वाई प्लस ए, वाई बराबर ए प्लस बी है, और इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ऐसा, ये ए है और ये बी है और ये क्या है,
वाई है, ये है ऑर्गेट, इसका नाम है ऑर्गेट। ये क्या है, ये है आउटपुट है, ये है आपको, ये जो है वो है इनपुट। तो दो इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, दो से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गया कि वन और प्लस वन, वन यहाँ भी वन, कितना होता है, वन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेट को समझने के। ओके,